हेलो फ्रेंड्स, मैं त्राना त्राना ट्रिक चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चावल की पिठा, जिसको हम नेपाल के तराई में बगिया बोलते हैं और इंडिया में इसको पिठा या पीठी बोला जाता है। जिसको बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ चावल का आटा और उसे हमें छलनी से अच्छे से चाल लेना है, ताकि उसमें कोई कंकड़ पत्थर या कुछ भी ना रहे। उसके बाद हमें आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे गूंदना है, गूंदते जाना है जब तक हमारा आटा नरम ना हो जाए। इसको गूंदते गूंदते नरम हो जाने के बाद हम इसको पीठा या पीठी या बगिया बनाएंगे। जब तक हम आटे को गूंद रहे हैं, तब तक प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे हम वीडियो में दोनों हाथों से आटे को गूंद रहे हैं, ऐसे ही आप भी दोनों हाथों से आटे को गूंदिए। ऐसे ही उठा उठा कर गोला बना बना कर दोनों हाथों से आटे को गूंदिए, ताकि हमारा आटा एकदम से सॉफ्ट और नरम हो जाए। याद रखिए, ये हमारा चावल का आटा है और ये हमारा आटा एकदम बहुत ही ज़्यादा, इसमें लस नहीं होता है। सो इसको अच्छे से हमें गूंदना होता है। अभी इसको गूंदने के बाद अच्छे से गोला बनाकर रख देना है। उसके बाद हमें इसमें से थोड़े थोड़े आटे लेकर लड्डू जैसा बनाना है, लड्डू जैसा बनाकर उसको लाम लाम करना है तरहती में रख कर। उसके बाद उसको तरहती से या दो उंगलियों से चिपटा कर देना है और उसके बाद बनाते जाना है। और ये काम एक से नहीं होता है, सो अपने फैमिली में एक दो आदमियों का मदद ले ले, ताकि आपको बनाने में आसानी हो और जल्दी से जल्दी बन जाए। देखिए, हम दो तीन मिलकर बना रहे हैं इस पिठा को। सो ऐसे ही दोनों हाथों से बनाते जाएंगे। उसके बाद हम गैस को ऑन करके उस पर हम चढ़ा देंगे अपना जो भी कंटेनर है, उसमें पानी रख देंगे। हम तसला चढ़ाए हैं, यहाँ पे आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद पानी को हमने रख दिया है खोलने के लिए। जब तक हमारा पानी खोल रहा है, तब तक हम फिर से पीठी बनाएंगे और पीठी बनाते जाएंगे। उसके बाद जब हमारा पानी खोल जाएगा, उसके बाद उसमें हम रखेंगे बगिया बनाने वाला कंटेनर, जो हमने लिया है एक पुराने दौरी का, जो बहुत ही पुराना है और उसका नीचे का जो जर है वो टूट कर निकल चुका है, इसीलिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं अपने पीठा बनाने के लिए। और पहले के ज़माने में ही ऐसे ही दौरी का पहले का टूट जाता था नीचे का उसका जर पेनी, उसके बाद उसी में बनाते थे जो हमारा डेली होता है। उसे काट कर और उसको वहाँ जर में रख कर, ताकि बाफ ऊपर तक आए और पीठा अच्छे से पक पाए। देखिए, हमारा पानी खोल गया है। अब इसमें हम रखेंगे दौरी, जो दौरी हमने पीठा बनाने के लिए लिया है उसका जर देखिए टूट गया है। उसके बाद हम डेली को काट कर उसमें रख दिए हैं, ताकि नीचे से बाफ ऊपर तक आ पाए भाप। देखिए कैसे हम पीठा को बगिया को रख रहे हैं एक एक करके। ऐसे ही आपको भी एक एक करके पीठा को रख देना है, थोड़ा स्पेस दे दे कर रखना है, थोड़ा अलग अलग रखना है, ताकि भाप से ये अच्छे से पक पाए। ये इसमें ना ही तेल लगता है ना ही कुछ लगता है, इसको सिर्फ भाप में पकाना होता है। देखिए, हमने थोड़ा सा रख दिया है, उसके बाद इसको ढक दिया है, ताकि ये थोड़ा सा जब पक जाए उसके बाद हम फिर से बनाकर रखेंगे और फिर से उसको ये उघेल कर और फिर से हम ऊपर से थोड़ा सा रखेंगे। थोड़ा थोड़ा हम रखेंगे, एक ही बार में अगर हमने ज़्यादा पीठा रख दिया तो सब एक दूसरे में चिपक जाएगा और हमारा पीठा अच्छे से पक नहीं पाएगा, एक दूसरे में चिपक कर रह जाएगा, उसमें भाप नहीं जाएगा तो नहीं पकेगा, सब चिपक जाएगा। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करना है, उसके बाद उसमें भाप लगाना है, फिर से हमें थोड़ा रखना है, फिर से भाप लगाना है। ऐसे ही कर करके हम लोग पिठा को बना रहे हैं। तो देखते रहिए, पूरा लास्ट तक देखिए हमारी वीडियो, आपको पता चल जाएगा कि पिठा कैसे बनाते हैं, यानी कि बगिया।
देखिए हमने फिर से इसको घेल कर दिया है, फिर से इसमें हम पीठा रखेंगे और फिर से इसमें रख कर इसको हम फिर से ढक देंगे। थोड़ा थोड़ा ही रखेंगे ताकि एक दूसरे में ये चिपके ना, एक दूसरे में ये टांस ना जाए, अटैच ना हो और इसमें बाफ लगेगा। देखिए हमारा ये दौरी जो है बहुत ही पुराना है, जो कि उन क्या बोलते हैं उसको, खर और पता नहीं क्या क्या से बनाए थे पहले, वो टूट चुका है, उसका जड़ जो है वो निकल चुका था, उसी में हम लोग डेली को काट कर रख दिए हैं और उसी में हम लोग पिठा को बना रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ही रखना है, एक एक लाइन रखना है, उसके बाद ढक ढक कर उसमें बाफ लगाना है, भाप लगाना है, उसके बाद फिर से हमें बग्या को रखते जाना है, पीठी को भाप लगाते जाना है। देखिए कैसे हम दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार कर कर के थोड़ा थोड़ा रख रहे हैं। बहुत ही यमी होता है पीठा। हम लोग सादा पीठा बनाए हैं, इसमें आप ये बहुत तरीके का बना सकते हैं, इसमें दाल रख कर बना सकते हैं, आलू रख कर बना सकते हैं या गोभी रख कर बना सकते हैं, सब मतलब बहुत ही टेस्टी होता है ये। देखिए हमारा पीठा बनाने का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, लास्ट हो चुका है, पूरा बन चुका है। उसके बाद हम फिर से थोड़ा थोड़ा करके इसको उसी में रख देंगे। एक ही बार में सब हमें नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा करके ही रखना है। देखिए हमने आधे से आधे को कम से कम बना लिया है, आधा हमारा भाप लग चुका है और आधे बाकी है, उसको भी हम लाइन लाइन करके ऐसे ही एक एक परत करके रखेंगे। जब भाप लगते जाएगा हम इसको फिर से रखेंगे, फिर भाप लगेगा फिर रखेंगे। देखिए एक ही बार में हमें नहीं रखना होता है। देखिए कितने अच्छे से हमने इसको रख दिया है और भाप भी कैसे निकल निकल कर ऊपर ऊपर भी आ रहा है। देखिए फिर से हमने ढक दिया इसको, फिर से भाप लगने के बाद फिर से इसको हमने इसको खोल दिया है और फिर से हम इसको रखेंगे, फिर से ढकेंगे, फिर से भाप लगेगा, फिर से हम इसको ढक के रख देंगे। ऐसे ही करके हमें बनाते जाना है, बनाते जाना है। ये देखिए हमारा ये पीठा जो है अब लगभग ख़त्म होने ही वाला है। ये लास्ट राउंड है हमारा पीठे का, जो हमने लास्ट रख दिया है। अब देखिए हमारे ये जो दौरी है उसके ऊपर ऊपर तक हमने भर दिया है पीठे से। अब इसका पहले जो कवर करने का बर्तन था उससे तो होगा नहीं, सो हमने इसको कठौती से कठरे से ढक दिया है और इसके ऊपर हम भारी कुछ भी पत्थर या लोहिया रख देंगे। सो हमने लोहिया रखा हुआ है ताकि इसका भाप जो है वो बाहर ना जाए और अच्छे से हमारा पीठा पक पाए। और ये देखिए हमारा पीठा पका या नहीं, हम छुरी से चेक कर रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा एक लेकर तोड़ कर चेक करेंगे कि पका या नहीं। ये देखिए हमारा पीठा जो है एकदम अच्छे से पक चुका है। ये देखिए पक गया है, एकदम अंदर अंदर तक भाप जाकर पक चुका है। सो इसको हम उतार देंगे और कटरे में झाँक कर अच्छे से हिला हिला कर इसमें हम हवा लगा देंगे ताकि हमारा पीठा जो है एक दूसरे में अटैच ना हो और एकदम अलग अलग रहे, ताकि हमें एक एक लेकर खाने में अच्छा लगे। और इस पीठे को हम किसी भी अचार के साथ, चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ या मछली के साथ या सिदरे के चोखे के साथ हम खा सकते हैं। सो हमने बनाया है मछली के साथ पीठे को। सो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू बेस्ट।